गेंदबाज को पता ही नहीं था कि वह हैट्रिक ले चुका है, कमेंटेटर गिलक्रिस्ट ने ऐसे याद दिलाया। ब्रिस्बेन हीट के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज जोश लेलर ने शुक्रवार को BBL में एक स्पेशल कारनामा किया। उन्होंने इस दौरान अपने करियर में चौथी बार हैट्रिक ली, लेकिन हैरत वाली बात ये रही कि लेलर को हैट्रिक लेने के बाद पता ही नहीं था कि वास्तव में उन्होंने हैट्रिक ली है। यहां तक कि उनकी टीम के खिलाड़ियों को भी इस बात की जानकारी नहीं थी। उस मैच में कमेंट्री कर रहे एडम गिलक्रिस्ट ने लेलर के साथ उनके टीममेट को उस बात की जानकारी दी। ये वाक्या पर्थ स्कॉर्चर्स की पारी का है। लेलर ने 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर एंड्रयू टायर को क्रिस लिन के हाथों झेलाया। इसके बाद जेक प्रेस्टविज ने 19वां ओवर फेंका, जिसमें उन्होंने 9 रन दिए। इसके बाद 20वां ओवर लेलर लेकर आए। उन्होंने पहली ही गेंद पर मैट केली को आउट किया। इसके बाद अगली गेंद पर उन्होंने निक हॉबसन को आउट कर दिया। इस तरह से लेलर ने अपनी चौथी हैट्रिक पूरी कर ली, लेकिन इस बात को किसी ने नोटिस नहीं किया क्योंकि 3 में से 1 विकेट उन्होंने अपने आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पर लिया था। विकेट लेने के बाद गेंदबाज लिन के साथ अपनी रणनीति के बारे में बात करने लगे क्योंकि उनके मुताबिक वे हब हैट्रिक बॉल फेंकने वाले हैं। लेकिन इसी बीच फील्डर एलेक्स ने ग्राउंड अनाउंसर से लेलर के हैट्रिक वाली बात सुनी और वे दौड़ते हुए उनके पास आया और बधाई दी। इसी बीच जब गिलक्रिस्ट ने माइक्रोफोन के जरिए विकेटकीपर को ये बात बताई तो वे भी हैरान रह गए कि क्या वास्तव में हैट्रिक हो गई है। उन्होंने कहा, क्या हैट्रिक हो गई, तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो। उन्होंने कहा कि वे सोच रहे थे कि अगली बॉल हैट्रिक होगी। वैसे ही ये जानकर टीम का खुशी का ठिकाना नहीं रहा और सब जश्न मनाने लगे।